आजमगढ़ जिले में सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गरीबों जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भारत रक्षा दल की जिला महिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने बताया कि भारत रक्षा दल हमेशा गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित रहने वाला संगठन है और हम हर साल ठंड के समय गरीबों में वस्त्र का वितरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता ही हमारी सेवा है और हम हमेशा गरीबों जरूरतमंदों दबे कुचले के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा महिला जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। मैं छाया अग्रवाल, भारत रक्षा दल के जिला महिला अध्यक्ष। मैम, आज कलेक्ट्रेट में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ये हम लोग भारत रक्षा दल की तरफ से ये कार्यक्रम 20 साल से होते आ रही है और हम लोग हर रोज़ दिन में कपड़ों की और रात में कंबल का वितरण करते हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो अपना अपने अनुसार ले जाते हैं और हम लोग वितरण करते रहते हैं। मैम, ये कार्यक्रम हर साल और निरंतर चलता रहता है? हाँ, ये हर साल 20 साल से लगातार चलते आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। हम लोग हर रोज ये कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मैम? कार्य के उद्देश्य यही है कि गरीबों को हम लोग सहायता करना, जरूरतमंद आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, निसहाय हैं, उसको हम लोग भारत रक्षा दल वाले हैं सहयोग कर रहे हैं और करने की आगे भी चेष्टा करते हैं कि आगे भी हम लोग मदद करते रहें।